कैसी सी तबीयत है भैया की? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। क्या कुछ पता चला ये आग लगी कैसे? नहीं, सब सब काम वालों से पूछा है मैंने, लेकिन किसी को भी नहीं पता आग कैसे लगी। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्यों जाने कौन मेरी बच्ची की खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ गया। मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? ऐसे ना कहें प्लीज आंटी, मैं तो जीते जी मर जाता अगर भैया को कुछ होता। सारी जिंदगी इस गिल्ट में जी ही ना सकता अगर मैं अपनी बिया को खुद लूज कर देता। मुझे लगता है कि मेरी बिया की कोई नेकी कम आ गई कि वो परवीन वक्त पे वहां पहुंच गई, वरना। अच्छा बेटा, आप यहाँ बैठोगे बिया के पास? मैं जरा शुक्राने के नफर। बिल्कुल आप जाइए, मैं बिया के साथ हूँ, तसल्ली रखिए। तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्रिया बेटा। कोई मसला नहीं। मेरी उम्मीद से ज्यादा ढीठ निकली हो तुम। मुझे तो लगा था तुम मर गई होगी, एक ही दफा तुमसे जान छूट गई होगी मेरी, लेकिन नहीं, तुमने तो इस बार मौत को शिकस्त दे दी। चले जाओ यहां से, चले जाओ। वरना? हाँ बोलो, वरना क्या करोगी तुम? चीख चीख कर सबको बता दोगी कि तुम्हें उस आग वाले कमरे में मैंने बंद किया था। तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस बार तुम्हें बचाने के लिए ना तो परवीन आएगी और ना ही कोई और। इसलिए अपनी जबान बंद रखो। अब अगर तुमने किसी के सामने मेरा नाम लेने की कोशिश भी की तो याद रखना, इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मां को भी जला दूंगा।